महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा के गांधी बिहार शाखा भी इस वार्ता का आयोजन विद्यालय के बच्चों को मिली दोहरी सफलता के उपलक्ष्य में किया गया। CBSE द्वारा पटना के 22 से 24 नवंबर को आयोजित क्षेत्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यालय के वरीय शिक्षक राज किशोर झा के निर्देशन में गीतांशु और भव्या की प्रस्तुति को राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शनी के लिए चुना गया। वहीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस द्वारा 22 और 24 नवंबर को पटना में आयोजित राज्य स्तरीय शोध प्रस्तुत पेपर प्रोजेक्ट में शिक्षक निरंजन झा के निर्देशन में हर्ष प्रदर्शन एवं हर्ष चौधरी की टीम को राष्ट्रीय स्तर की शोध प्रस्तुत के लिए चुना गया। प्रेस वार्ता की शुरुआत डॉक्टर प्राचार्य प्रभा मल्लिक ने आगत अतिथियों एवं पत्रकार बंधुओं को स्वागत भाषण से की। प्राचार्य ने अपने संबोधन में दोनों प्रोजेक्ट पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा बच्चों को बधाई एवं भविष्य की उपलब्धि के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साइंस नेशनल साइंस कोऑर्डिनेटर्स डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सर रामपुर झावल सर, आप सभी पत्रकार बंधु भाई टीचर्स और माय स्टूडेंट्स सभी का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 22, 23, 24 नवंबर को पटना में नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का एग्जीबिशन था, बच्चे अपना प्रोजेक्ट लेकर गए थे, और 23 और 24 नवंबर को पटना में ही CBSE का रीजनल लेवल साइंस एग्जीबिशन था। तो हमारे बच्चे दोनों जगह गए थे, दोनों चीज़ें ली थी। रीजनल लेवल CBSE रीजनल लेवल साइंस एग्जीबिशन में हमारी बच्चियाँ गई थी और उनका टॉपिक था वाटर कंजर्वेशन पे, और फॉग और ड्यू से वाटर कैसे, प्योर वाटर कैसे प्राप्त करना है इस पर था। और आजकल हम लोग जैसे जानते हैं वाटर का बहुत ज़्यादा पानी का किल्लत है, तो ऐसे में कुहासा से और ओस से हम साफ़ पानी हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इस पर उनका प्रोजेक्ट था जिसको काफ़ी सराहना मिला और इनके काम को सराहा गया। और नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में वहाँ भी हमारे बच्चे गए थे और इनका था कंजर्वेशन ऑफ स्नेक्स ये रखे थे, और इनका टॉपिक था रिपेलेंट टू प्रोटेक्ट स्नेक्स एंड टू प्रिवेंट स्नेक बाइट्स, और इनके काम को भी काफ़ी सराहना मिला। और ये अपने बात को जो ये कहना चाह रहे थे, इनोवेटिव आइडियाज़ थे दोनों के, और हमको काफ़ी संडे को 24 तारीख को दोनों जगह से फाइनल रिजल्ट आया एक ही दिन, और पता चला कि हमारे दोनों टीम को नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी, बहुत हर्ष की बात है। और बच्चे बढ़िया काम किए हैं, और हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो इनका जो इनोवेटिव आइडिया है और जिस पर ये इतना मेहनत किए हैं और जहां इनको सराहना मिली है और जिसको सेलेक्ट किया गया है, तो इस बात को हम सभी के साथ शेयर करें, और इस वजह और ये बच्चे भी प्रोत्साहित हो। और बच्चे यहाँ पर हैं, प्रोजेक्ट भी है, और ये अपना जब आप कहेंगे आपको डिटेल से अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। हुआ करते थे तो पुणे हम गए थे नेशनल साइंस कांग्रेस में, बड़ी सिस्टमेटिक अध्ययन की हुई है और अप्रोच इसका बहुत लॉजिकल है। तो मेन है कहने का मतलब कि हम लोग का शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक पैदा करना नहीं, हमारा उस उद्देश्य है इन बच्चों में वैज्ञानिक चेतना पैदा, उनका सोच वैज्ञानिक हो जाए, सारा चीज सिस्टमेटिक हो जाए। जैसे बच्चा जो कंजर्वेशन स्नेक की बात किया, तो हम लोग बहुत कम जानते हैं कि भारत में 321 प्रजाति है सांप का, और इसमें 20 प्रजाति ही जहरीला है, बाकी प्रजाति जो है जहरीला नहीं है। जैसे कि कोबरा हुआ, गेहूं, करैत हुआ और किंग कोबरा, यह तीन गो अत्यंत जहरीला सांप माना गया है बिहार हिंदुस्तान। और जब देखते होंगे हम लोग को गेहूं सांप किसी को काटता है तो वो पूरा बॉडी को पैरालाइज कर देता है,
मुंह से फेन निकलने लगेगा, देह सुन्न हो जाएगा, तो बुझिए कि इसको गेहूं अंसाफ का। और देह में जब ऐठन होने लगे और खूब दर्द हो, पेनफुल हो जाए, तो बुझिए कि इसको करैत सांप काट लिया। चूँकि करैत सांप जब काटता है, जब अपना जहर उड़लता है, तो वह रैप्चर कर देता है भेन, और भेन जब रैप्चर होता है तो पूरा खून जो है उसको टिश्यू में मिल जाता है। इसीलिए बहुत ऐठन होता है, बहुत दर्द होता है करैत के कारण। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि करैत का एक बूंद कोबरा के 9 बूंद के जहर का बराबर होता है। और कोबरा में भी सबसे खतरनाक है जिसको हम लोग नाग कहते हैं, किंग कोबरा। तो हम लोग ऐसे बहुत सारा प्रजाति है, 321 प्रजाति है, देखना चाहिए, समझना चाहिए। सांप को जल्दी नहीं मरना चाहिए। हर हरा सांप भी है जिसको हम लोग प्रणाम करते हैं, उस तरह का ही है। तो हर जीव जंतु का बैलेंस करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हर जीव जंतु का भी रहना चाहिए, तभी हम लोग पर्यावरण को अपने जीवन। जहाँ तक उस आपने उस केमिकल का छिड़काव किया है, लेकिन उसके बाद वो अंदर नहीं आएगा, भाग जाएगा वहां से। इस बच्चे ने एक नई आइडिया के साथ इस चीज को बनाया। इसने जो ये बेकिंग सोडा है, उसे बेकिंग सोडा और सोडियम ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इस दोनों को मिला के एक ऐसा रिपेलेंट बनाया जिसका प्रभाव 15 दिनों तक रहता है। और यदि घर के चारों तरफ उसको डाल दिया जाए तो 15 दिनों तक सांप उस घर में या उसके आसपास नहीं आएगा। तो इसी को लेकर इसी इनोवेटिव आइडिया के तहत इस बच्चे का ये हर्ष प्रियदर्शन है और ये इसका साथी है। इन लोगों ने जो काम किया, अपने टीचर, इनके टीचर वहाँ बैठे हुए हैं, श्री निरंजन झा जी, तो इनके मार्गदर्शन में इन्होंने काम किया है। और इनके काम को चिन्हित कर जो स्टेट साइंटिस्ट की टीम है, वह टीम इस बच्चे को नेशनल के लिए चयनित किया है। नेशनल जो है वो त्रिवेंद्रम में है, 27 से 31 दिसंबर तक वो त्रिवेंद्रम में केरला में होगा वो नेशनल। तो उसमें अब ये बिहार का प्रतिनिधित्व करेगा ये। और इसके और जो व्यवस्था है सरकार, जिला सिलेक्शन नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है, पूरे बिहार से 30 बच्चों का चयन हुआ है, पूरे बिहार से 30 बच्चों का चयन हुआ है। और उसमें इस बच्चे का भी, हर स्टेट का अपना कोटा है उसकी जनसंख्या के आधार पर। ये जो कार्यक्रम है, भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वह पूरे देश में आयोजित कराता है, और राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्य को कोटा निर्धारित है। तो प्रभावित करने वाला इस बच्चे का जो ये क्षमता है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का था, इसमें 153 टीम्स थे, जिसमें से 20 को सिर्फ चुना गया, ओनली 20 टीम्स, और उस 20 टीम में हमारा यह सिलेक्ट हुआ है। हम लोग बच्चा से सर्विस फ्रॉम सम एवरी पीपल ऑफ MGSS एट वाजिदपुर एज सेकंड ब्रांच, एंड आई हैव डन मेनी प्रोग्रेस इन दिस, एंड आई हैव आल्सो मेड माय प्रोजेक्ट फ्रॉम वेरी My project, the protection of snakes, is related to snakes, because snakes are a wide distance from extinction today. In the world, there are about 2700 snakes previously, but now in the world, only 2200 are alive, and out of 2200, only 250 are in India, and are out of 250, in 150 are dangerous. In this 150 dangerous, 10 species of snakes are found in Bihar, and one species has seriously been non-poisonous, but we kill it and extend it from our forest, but it is found at somewhere. So I have chosen the project to save the snake, because snakes are a very, very endangered animal in the full history of earth. Your name? My name is Harsh Pradarshan. Your school name? My school name is Mahatma Gandhi Shikshan Sasthan. Class? My class is 7th. Oh, you too.
रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा सब थीम है और हमारा टाइटल है रिसोर्स पैनल, और मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं वाटर रिसोर्स पे, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि वाटर का हमें कितना स्कार्सिटी हो रहा है। हम लोग दरभंगा से है और इवन दरभंगा में भी बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी हुआ है इस बार समर में, इसलिए हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं वाटर रिसोर्स पे। हम लोग यहाँ पे फॉग हार्वेस्टिंग, ड्यू हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमने एक फ्लैट रूफ दिया है, उस फ्लैट रूफ में हम रेन वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम उस रेन वाटर का यूज़ कर रहे हैं ड्रिप इरिगेशन में। ड्रिप इरिगेशन में हम जो लैंड है उसको लेवलिंग नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से जो वाटर है और न्यूट्रिएंट है उसका लॉस नहीं होता है, और उसी रेन वाटर से हम बायोगैस फॉर्मेशन कर रहे हैं। बायोगैस में हम लोग काऊ डंग और फ्रेश वाटर का यूज़ करते हैं, वो वाटर जो हमारे पास अवेलेबल होता है, लेकिन उस वाटर को हम लोग स्टोर करके प्रिजर्व करके हम रेन वाटर का यूज़ कर रहे हैं जो जनरली वेस्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग फॉग हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। फॉग हार्वेस्टिंग में एक टावर है जो मेस नेट का बना हुआ होता है, वो मेस नेट टावर जो है वो फॉग को बल्क के फॉर्म में एकोमोडेट कर देता है। उसका हाइट होता है 200 मीटर, और जब हम जानते हैं जब हाइट इंक्रीज करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज करता है, और इस वजह से वो सही से नीचे नहीं आ पाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक हो जाता है। इसलिए हमने फॉग कैचर लगाया है जो उसको हेल्प करता है नीचे आने में। उसके बाद उस फॉग को हम जो कि कंडेंस नहीं किया रहता है प्रॉपरली, थोड़ा बहुत वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है लेकिन वो कम्प्लीटली कंडेंस नहीं होता, इसलिए वहाँ पर हमने एक कंडेंसर पैनल लगाया है। उस कंडेंसर पैनल में हम लोग उसको कंडेंस कर रहे हैं। उसके बाद सैंड, ग्रेबल्स, पेबल्स, चारकोल या फिर कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन के मदद से हम उसको फिल्टर कर रहे हैं। उसके बाद उसको हम स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद उसको डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग ड्यू हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। ड्यू हार्वेस्टिंग में हमने एक स्लोप रूफ दिया है, फ्लैट रूफ नहीं दिया है, क्योंकि हम जानते हैं जो ड्यू है वो बहुत लेस अमाउंट में होता है, और अगर फ्लैट रूफ होगा तो वो तुरंत उस पर आएगा और इवेपोरेट कर जाएगा, इसलिए हमने स्लोप रूफ दिया है। स्लोप रूफ पे जब वो ड्यू गिरेगा तो वो स्लाइड करेगा, और उसके बाद वहाँ पे एक पाइप, उस पाइप के थ्रू हम उसको एक स्टोरेज टैंक में स्टोर करेंगे। उसके बाद हम उसको फिल्टर करेंगे और डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज करेंगे, या फिर डायरेक्टली जो रॉ वाटर हमने ऑब्टेन किया है ड्यू से उसको हम एक फार्म में फनल की मदद से फिल्टर करके हम डीप रूट इरिगेशन करते हैं, और जो कि बेनिफिशियल होता है प्लांट्स के लिए ग्रो करने में। क्या नाम हुआ? गीतांशु। किस स्कूल में पढ़ती हो? महात्मा गांधी से। कैसे प्रैक्टिकल करा के दिखाई फॉग हार्वेस्टिंग है। ये मेश नेट से हम लोग फॉग को कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे स्मॉलर एरिया में लार्ज अमाउंट ऑफ फॉग एकोमोडेट हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ फॉग एकोमोडेट कर जाएगा। इसका हाइट है 200 मीटर। हम जानते हैं जब हाइट बढ़ता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज करता है, इसी कारण यहाँ पे फॉग कैचर हम यूज कर रहे हैं जो बल्क फॉर्म को हेल्प करेगा नीचे आने में। उसके बाद उसको हम स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर करने के बाद उस फॉग जो गैसियस स्टेट में होता है उसको हम कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जैसे हम जानते हैं हमारे एनवायरमेंट बहुत सारा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है।